करोगे कि भारत नगर का असली स्टार आंसर कौन है? जिया, 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 जिया। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। जिया, तुम सिर्फ डांस करके ये कैसे कह सकती हो कि तुम भारत नगर की स्टार डांसर हो? पहले तुम्हें मेरा डांस भी तो देखना पड़ेगा ना। शो मी। ना ना ना, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो ये हार्ट वाली ट्रिक दिखाऊंगा। अगर स्टार डांसर डिसाइड करना है तो वो तो डांस फ्लोर पे डिसाइड होगा। यू मीन स्टेज पे, सबके सामने? यस, आज रात की न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन होगा और पब्लिक वोटिंग के जरिए ये डिसाइड कर पाएगी कि स्टार कौन है और फ्लॉप स्टार कौन। वाओ, क्लैप फॉर विवान। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन क्यों ना चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और इंटरेस्टिंग कैसे? अगर विवान हार गया तो उसकी पूरी पलटे। पूरी लाइफ चिंटू और चिंटी के सर्वेंट बन के रहेंगे। ओए गुजिया, कैसी शर्ट रखी है तुमने? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मायसेल्फ आरुहि फ्रॉम यूपी। अच्छा 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 अच्छा, लिसन, आरुहि फ्रॉम यूपी, अगर दोबारा मुझे गुजिया बुलाया ना तो तुम्हारा वो हाल करोगी पूरे लखनऊ में लाइफ टाइम भजिया तलोगी। तू मुझसे भजिया तलवाएगी? मैं अभी तेरा भट्टा बनाती हूँ। बढ़िया है। मार मार मार, चिल्ला मार उसको। उसको मार। पकड़ पकड़ पकड़, उसकी बाल खींच। हाँ। चोटी निकाल दे उसकी। मार 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 उसको। मार उसे। अरे उसको खींच मार। अरे अरे इसके तेरे मार मार क्या? अरे अरे रुको रुको रुको। अरे 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 इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ रोई, मुझे जिया की शर्त मंजूर है। क्या? अरे रिलैक्स टीम, ये भी तो सोचो कि अगर मैं जीत गया। क्या? हाँ, सो अगर मैं जीत गया तो चिंटू और चिंटी को हमेशा के लिए तुम लोगों का सर्वेंट बनना पड़ेगा। सो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ यहाँ छुपने वाले हो तुम बालवीर से? कई सेंचुरी से भारत नगर के नीचे एक स्लीपिंग वॉल्केनो था जो कि आज एक्टिवेट हुआ है, लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वॉल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें तो ये वॉल्केनो ब्लास्ट होगा और इसका लावा पूरे भारत नगर के साथ साथ दोनों बालवीर को भी मेल्ट कर देगा। हैं? निकाल कर तुम लावा, जीत का कर रहे हो दावा। वाह वाह भाई वाह वाह, ताली दो ताली।
अरे अरे भैमार जी, आप हथौड़े के बीच में ये चम्मच क्यों हिला रहे हो? मूर्ख, मैंने उस ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है जिससे वो चट्टाने टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह, क्या सोच है। हाथ ये वाला नोट कर। मैं तो कहती हूँ हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान, तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना, डांस कंपटीशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली? तुझे लगता है तू डांस कंपटीशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विवान, जिया तुझसे 100 times बेटर डांस करती है। हाँ अब अरे फिकर नॉट विवान के बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विवान, लेकिन जब डब और पीकॉक का डांस कंपटीशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंगू, तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बदले बैट कैसे लगा दी? हाँ विवान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बैट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव्स बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी बल्टन को चिंटू और चिंटी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी बल्टन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना। मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था। ये है चुलबुल बुलबुले शीशी, इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाओ, थैंक यू ज्वाला परी। अब नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखता। ये क्या है ज्वाला भरी, इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला भरी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया, यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी, शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा, अब इसमें सिर्फ 4 बुलबुले बचे हैं, इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए।
फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटी चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी आरोही, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए उठ, आ रहा हूं ना। इधर वेट, उधर उधर, ओ रिंगू टिंगू, उधर जा। रिंगू है वो। अब बैठ बैठ। क्यों? सुतली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंगू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारे स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना 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 चिंटू चिंटू, रिजल्ट के पहले मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों का उड़ेगा। विवान, खुशी? हाँ मम्मी। हाँ माँ। हाँ, मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आती हूँ। दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो? टूटी तो नहीं, चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए, आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी, और हमसे हर जाना मांग रहे हैं। अरे बाबा, क्यों इतना गर्दी करके रखा है? चलो हटो पीछे, अपना अपना काम करो। चलो लगी तो नहीं ना? सॉरी, तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करे चला। ए चल, रिक्शा फुटेगा। अब चलिए माँ, हम घर चलते हैं। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर, हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं।
ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ चलिए। परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। दोनी परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाए। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील टोकना चाहते हो तुम लोग? हम तो बस ये चल। I guess you got it wrong, Baalveer. क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दब कर मर जाओगे। बनी परी,
हमने सही समय पर रे और भयमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। वकुम शबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो। ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना, और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो। नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट मॉम, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। This is not good. अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ही ये चट्टान टूटेगी भारत नगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान इज अ लूजर। क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन का जड़ तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजिन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश?
कहाँ है खरगोश? बागनगर में खरगोश आया है? ओह! चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश। तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है वीरान। इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड चीफ करेंगे और पूरे भारत नगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा! जाएगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे टकली सुतली बुलाए। फिकर नॉट टकली, मेरा मतलब सुतली। डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, ट्रस्ट मी। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। Yes, अब मुझे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ साथ मेरी पलटन भी हार जाएगी और उनके बाल। मैं चुलबुल बुलबुलों की शीशी को सेफली रूम में रख कर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ के बाद अब दादाजी कथकली करने लग जाए। नहीं, और वैसे भी अब एक ही डोज बाकी है मेरे पास। हे विवान, अब क्या है? जाओ एक लास्ट टाइम अपने बालों को मिरर में देख लो, और हो सके ना तो सेल्फी भी ले लो, बिकॉज कल से तुम्हारा फेस छिले हुए आलू की तरह दिखाई देगा। इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो जिया, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डांस कॉम्पिटिशन के बाद ये चांद मेरे सर पे निकलने के बदले तुम्हारे ही सर पर निकल आए। ओ कम ऑन विवान, मैं कहा नेशनल लेवल की डांसर और तुम लोकल गली के, मुझे हरा पाओगे? माना कि तुम्हारे पास डांसिंग स्किल्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास मैजिकल बिल्स हो। सो बाय नेशनल लेवल के नाच। ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लगा कर अपने बालों को इतने मेहनत से बड़ा किया, और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा? बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे बिना सूंड का हाथी, बिना पूंछ का बंदर, बिना चोंच का तोता। तुम कौन हो? तुम्हारा बिखरता हुआ कॉन्फिडेंस। आखिरी बार ना अपने सिल्की बालों पर हाथ फेर लो, क्योंकि आगे से तो यहाँ पे प्लेन मैदान ही दिखने वाला है। नो, कंट्रोल विमान, कंट्रोल। अपने नेगेटिव सोच की बात मत सुन, अगर दिमाग में ही हार जाएगा तो डांस फ्लोर पे क्या जीतेगा? पॉजिटिव टॉक्स। गेट आउट, गेट आउट वीक विमान, गेट आउट। सारा भारत नगर छान मारा,
पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ। अब कहाँ जाओगे तुम बच के? ये तो कुकर की सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? देखो, माफ कर दो, माफ कर। अरे ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास चुलबुल बुलबुलों का सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता, और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होगी। सो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कॉम्पिटिशन के वक्त ही यूज करूंगा। ये बॉय, there you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अभी ये वॉल्केनो एक टाइम बम की तरह है, और जैसे ये चट्टान पिघलेगी, इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बाऊ, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए। हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी, शायद आपने जैकेट पहना है ना, इसलिए। हाँ, हो सकता है। वैसे दादाजी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चले, सब रेडी हो गए? ये देखो, बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ? हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान कहाँ है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ, चलिए, चलो देवू भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ, अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चले गए विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो आप अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वाला परी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, फिर? हाँ आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया, और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान ये ठीक नहीं है। भैया मेरे कारण मेरी पलटन को अपना मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं, अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। पर
ठीक है जाओ शूज पहन कर आओ। ओके। वान में अभी भी बचपना है, मैं उसे जादू शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता। Let's rock them. चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है? किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। Be grateful कि जूतों नहीं मारा है। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी, और हम भारत नगर की चिता में आग लगा कर आ गए। अब बस थोड़ी देर और, फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम। अगर आप लोगों की योजना इतनी ठोस थी तो मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने वरना तुम हमारा सर खाते जैसे अभी खा रहे हो। सर खाता हूँ जैसे मैं हमेशा सबका सर खाता हूँ। ए चुप। वो देखो ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है, बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप, अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो आइए नमस्ते, वेलकम वेलकम। ये हड़ू ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया पूरा को पूरा, मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? एक पी लो, मोड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है, ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर और फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ, कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। शो विवान, शो। आई एम रेडी। आर यू? यस। वोटिंग शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले वोटिंग शुरू होगी जिया माथुर के लिए। आपके चहीते, आपके फेवरेट, आपके डियर, आपके दिल के टुकड़े के, आपके होम बॉय विवान की। आरोही के मुंह से विवान के लिए जितनी तारीफ तो निकल रही है। अरे आरोही सबको इमोशनल अपील कर रही है ताकि विवान जीत जाए, और अगर नहीं जीता ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी। Thank you.
अरे सेम सेम, ये तो सेम है, अब क्या करें? रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मेरा वोट देना बाकी है। और जिया माथुर ने वोट किया है विवान को। जिया ने विवान को वोट किया है, विवान जीत गया। Thank you. Wow. Thank you. Thank you. चला दे। अरे मंजे, thank you मुझे मौका देने के लिए, विवान को ट्रॉफी देने के लिए। अभिनंदन। भैया देखा आपने मेरा विनिंग परफॉर्मेंस? हाँ देखा मैंने, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये विनिंग परफॉर्मेंस तुमने ज्वाला परी के दिए हुए द्रव्य की मदद से दिया है तो तुम गलत हो। हाँ विवान, ये जीत तुम्हें अपने हुनर से मिली है, इसलिए एंजॉय इट। थैंक यू भैया, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि मैंने नकली चुलबुल बुलबुले की शीशी का इस्तेमाल किया है तो आप भी गलत हो। आपके जूनियर ने अच्छाई और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। वीरलोक की मैजिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं किया मैंने। बहुत अच्छे विवान, आई एम प्राउड ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस विवान, तुम अच्छा डांस करते हो। थैंक यू, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा ही एक वोट नहीं मिलता तो शायद हमारे बीच ये डांस कॉम्पिटिशन टाई हो जाता। सो थैंक यू। वैसे सुतली, चिंटू चिंटी को हमारे सर्वेंट बनने के लिए कितना टाइम बाकी है? हैप्पी न्यू ईयर होती इन दोनों को हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जिया तूने किस प्रॉब्लम में फंसा दिया? अरे अरे रिलैक्स चिंटू चिंटी, तुम्हें किसी का सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है। रिंकू और सुतली तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं। अब अगर मुझे जिया का ही एक वोट नहीं मिलता तो ये डांस कॉम्पिटिशन तो टाई हो जाता ना। करेक्ट, इसका मतलब ये कॉम्पिटिशन टाई है ना। हाँ, और इसलिए ये ट्रॉफी मैं जिया के साथ शेयर करना चाहूंगा। अरे वाह वाह वाह, दैट्स द स्पिरिट। हां तो क्यों ना न्यू ईयर की शुरुआत दोस्ती से की जाए। वेरी गुड वेरी गुड। लगता है भूकंप आ रहा है, चलो बाहर खुले में चलते हैं। चलो। अरे लेकिन ऐसे कैसे भूकंप? मुझे लगता है हैप्पी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे नहीं दादाजी, अभी उसको तो टाइम है। पता नहीं कौन टाइम के बारे पटाखे फोड़ रहा है।
बालवीर आया। विवान, तुम यहाँ पर रहकर उस लावा को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका स्रोत ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया। ये तो उसी जगह से लावा निकल रहा है जहां पर मैंने रे और भयमार को रोका था। लावा को रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसके बहने का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता हूं। यस। वर्क कर रहा है। अब ये सारा लावा इन गड्ढों के चैनल से समुंदर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। पाली, 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 पाली। वेल डन विवान। थैंक यू भैया, और आपने भी कमाल कर दिया। वैसे भैया, अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से सील हो गया है ना? चिंता मत करो विवान, एक प्राकृतिक ज्वालामुखी भी फटने के बाद सैकड़ों वर्षों बाद वापस फटता है, और इस ज्वालामुखी को तो हम दोनों बालवीरों ने मिलकर बंद किया है, अब ये कभी नहीं फटेगा। चलो। Yeah!
ज्वालामुखी के ऊपर है और ज्वालामुखी भारत नगर के नीचे। हाँ लेकिन खबर नहीं ये ज्वालामुखी फिर से कब फट जाए। अरे शुभ शुभ बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, ये ज्वालामुखी अब फिर कभी नहीं फटेगा। तुम लोग श्योर हो? हम 100% श्योर है, बिकॉज उस पहाड़ पर हम दो बालवीरों का सेफ्टी मार्क लग चुका है। सो अब तो सील को कोई भी कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। फिर वही हो गया जो मैंने सोचा था। क्या होगा इन दोनों का? अब होने को कौन टाल सकता है भला? होता है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है भैमार जी। रे जी, अरे साल का आखिरी दिन था, योजना पलट गई तो पलट गई, उसमें क्या। लेकिन कल कल साल का पहला दिन है, आप दोनों को हार की धूल चाटने का नया मौका मैं दूंगा। आप दोनों को चिंता मत कीजिए। बोलेगा यार, उन दोनों और बालवीर की लाइफ में है वो क्रिएट करने का कैसा प्लान है मेरे पास कि वो दोनों विश करेंगे, काश 2020 उनकी लाइफ का आखिरी साल होता। क्योंकि साल दर साल करके एक सदी का तो अंत हो जाता है, लेकिन बुराई का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि टेबल के क्लॉक कभी नहीं रुकते बालवीर।